गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 सभी लोगों को। सेकेंड पेपर में हम कला को पढ़ा रहे थे ऑक्सैलिक एसिड सी डबल ओ एच का होल ट्वाइस इंटू टू एच टू। ऑक्सैलिक एसिड पूरा कंप्लीट हो गया था, उसमें से आपको हमने बताया था निर्जल ऑक्सैलिक एसिड कोई पूछे तो सी डबल ओ एच का होल ट्वाइस होता, अगर कोई पूछे पूरा ऑक्सैलिक तो सी डबल ओ एच का होल ट्वाइस है। कोई बच्चा ना ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी भार बता सकता है? निकालो ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी भार कितना होगा बता दें। फार्मूला होता है तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे संयोजकता। निकालिए जब तक सभी बच्चे, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर भी पूरा हो गया था। आज हम एक्सरसाइज करवाएंगे आपकी, ऑक्सैलिक एसिड उपयोग भी हो गए तो पूरे आज उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। कुछ हमने रिएक्शन भी दी थी करने के लिए, सभी लोग कर लाए, नहीं कर लाए तो कर लें ध्यान से। ठीक है, तो आपको पहले हम बता दें ऑक्सैलिक एसिड का तुल्यांकी भार, फिर उसके आगे आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, यानी कि सारी रिएक्शन व्हाट हैपेंड कन्वर्जन जो वगैरह आपके चैप्टर में दिया इंपॉर्टेंट कराएंगे। कल से नया चैप्टर आपका स्टार्ट है। पहले आपको सी डबल ओ एच होल ट्वाइस इंटू टू एच टू ओ, इसका हमने तुल्यांकी भार दिया। तुल्यांकी भार सुन लीजिए, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है बेटा तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे संयोजकता, कह दो या क्षारकता। अणु भार निकाल लो सी डबल ओ एच का होल ट्वाइस इंटू टू एच टू ओ, 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 8 पूरे के 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 16 पूरे के 12 16 12 28 16 44 45 16 2 16 2 18 गुणा 2 45 गुणा 90 18 गुणा 36 126 आ गया। आड़ का कितना आ गया 126 अणु भार आया, किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। तो 126 बटे संयोजकता कितनी होगी? 2। तो 2 6 12 2 3 6 याद रखना बेटा, तुल्यांकी भार कितना आया कार्बोक्सिलिक एसिड का? 163 ओनली। कितना आया? 63। नोट कर लो जिसको ना समझ में आया हो, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ देता तुल्यांकी भार। इसके बाद हेडिंग डालो इसी प्रश्नावली में, ऊपर लिखिए क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रश्नावली क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला लिखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। लिखिए फर्स्ट, लिखिए बेटा एल्किल बेंजीन को क्षारीय के एमिनो के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत। एल्किल हैलाइड बताओ क्या होता है? एल्किल बेंजीन को क्षारी के एमएनओ फोर के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। सुनो, बेंजीन रिंग बना के CH3 जोड़ दिया, इसको कहते हैं एल्किल बेंजीन। एल्किल का सूत्र जानते क्या होता है बेटा?
बेंजीन रिंग बनाकर CH3 का क्या है, इसका हमें ऑक्सीकरण करवा रहा है KMnO4 के रिएजेंट में, तो बन रहा है बेंजीन रिंग बना के COOK, क्या बोलता है COOK, ठीक है COOK, फिर पुनः इसका H3O के साथ अपघटन कर रहा है तो बेंजीन रिंग बना के COOH बेंजोइक अम्ल प्लस के OH और बना रहा बचा रहा चाहो तो KOH बचा कि नहीं बचा KOH, नोट कर सकते हो पहला नंबर पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है आपको इस तरह से। दूसरा लिखिए, अगर पहला हो गया हो लिखो, निर्जल एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। देखो यहां पर सबसे पहले आपको एसिटिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, इसी को निर्जल एसिटिक अम्ल या ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। पेपर में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने कहा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ प्रवाहित करते हैं, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड C2O5 की उपस्थिति लिखना ना कि क्रिया, कहीं कहीं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को P4O10 लिखता उससे कोई मतलब नहीं, बन जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, दो लगा दो CH3CO की होल ट्वाइस, CH3CO की होल ट्वाइस से दो O बचे दो H बचे, एक O ये निकल गया तो क्या बचा बेटा H2O बचा, लिखते चलो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तीसरा लिखिए, रिएक्शन हम समझा रहे केवल वो आप लिखने, शुष्क क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में एसिटिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं, एसिटिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं। क्या कहा, शुष्क क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH को क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश को हम क्या लिख देते हैं HV लिख देते हैं, और नीचे लाल फास्फोरस की प्रेजेंट है, शायद याद आ रहा हो HBZ अभिक्रिया आ रही है ना, ज्यादा करो तो क्या होता है जबकि पहला पद कर दो CH2CL COOH, ठीक है COOH, तो बेटा आपका क्या बचा, एक CL बचा और एक H बचा, तो लिख सकते SCL, इसका नाम बता दो, इसका नाम मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, ध्यान से पढ़ो, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, नोट कर लो। कुछ कन्वर्जन इसी में है आपकी एक्सरसाइज में जो पेपर में आया है,
2015 और 18 में एक क्वेश्चन पूछा, सभी बच्चे लिखें, गृगनाड अभकर्मक से एस्टे काम, गृगनाड अभकर्मक से, गृगनाड अभकर्मक से एस्टे काम, गृगनाड अभकर्मक से एस्टे काम। तो गृगनाड अभकर्मक का सूत्र क्या होता है? गृगनाड अभकर्मक से एष्टिक अम्ल बनाना है। देखिए गृगनाड का सूत्र CmgCH3mgI होता है, एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3mgI। गृगनाड अभकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, बन जाएगा CH3COOCH3COOMGI। इसका नाम बताओ भाई, हो गया ये पता क्या पूरा हो गया, मैग्नीशियम एसीटेट आयोडाइड। इसको पुनः हमने क्या कर दिया, जल अपघटन वाटर के साथ बन गया CH3COOH। अब बचा M+MgOHCl। देखो CH3COOH MgOHI बचा Cl का I बचा, ये नाम पता ही है हमें जो बनाना था एस्टिक अम्ल, और ये इसका नाम बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड। ठीक है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। चार के बाद पांचवा नंबर लिखिए, फिफ्थ नंबर कह रहा है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। क्या कह रहे हैं, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। सुनो ध्यान से बेटा, पांचवा इंपॉर्टेंट है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। तो सबको पता है बेंजोइक अम्ल का सूत्र, बेंजीन बना के COOH होता है, एनिलीन बनाना है Br2+KOH के साथ गर्म कर दिए। बताओ ये कौन सी क्रिया है, बता सकता कोई बेटा कौन सी क्रिया है? तापमान प्रोवाइड क्रिया है कि नहीं है? एनिलीन का सूत्र बताओ क्या होता है, एनिलीन बताइए, पहुंचना आपको कहाँ है, एनिलीन बनाना। ठीक है, बेंजोइक अम्ल से पहले अमोनिया से क्रिया करेंगे, अमोनियम बेंजोइट बनेगा, इससे क्रिया करेंगे, वो डायरेक्ट बता दें, डायरेक्ट नहीं करना, कन्वर्जन है, पहले NH3 अमोनिया से क्रिया करोगे तब बनेगा बेटा। देखो क्या COONH4, देखो COONH4 अमोनियम बेंजोइट, अमोनियम बेंजोइड, अमोनियम बेंजोइड को गर्म करना है तब बनेगा बेंजेमाइड, अमोनियम बेंजोइड को गर्म करना है। बेंजेमाइड का सूत्र क्या होता है, CONH2, नीचे लिखते हैं NH2O बचा, फिर बेंजेमाइड को आगे Br2+KOH के साथ क्रिया करो, अब बनेगा एनिलीन। एनिलीन प्लस बेंजीलिन बना के NH2 निकल गए एनिलीन। अब बचा दो Br है, दो K में लगा दिया, 2KBr निकल गया प्लस 2KBr। अब H कितने बचे, दो H लिए,
2x K2CO3 बचा प्लस H2 हो जाए, K दो दो चार हो गए, तो यहाँ K में क्या लगेंगे चार, Br2 K दो दो चार, HC O तीन और एक चार, O चार हो गए, H चार, H दो दो चार, O तीन दो पांच, O चार में पांच, याद कर सकते हो इस पूरी क्रिया को, इस क्रिया को आप मान ब्रोमाइड अक्रिया भी कहते हैं, अक्रिया भी कहते हैं, फोन कर सकते हो आप मान ब्रोमाइड अक्रिया भी कहते हैं। इस तरह से रिएक्शन आपको पूरी करना है, हमने आपको पांच रिएक्शन बता दी जो इम्पोर्टेंट थी। कल आपका नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर शुरू होगा नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।